नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, लाइफ में हर्डल्स बहुत हैं, लाइफ में टेंशन्स बहुत है, और अगर आपको लाइफ में सपोर्ट लेना है तो न्यूमरोलॉजी इसके अंदर आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दोस्तों, अंग ज्योतिष जो है एक बहुत पुरानी विद्या है और बहुत सटीक विद्या है। दोस्तों, मुझे नहीं पता भगवान ने प्लैनेट्स कब बनाए कब नहीं बनाए। जितने भी ये अंतरिक्ष में आप देखते हो, राहु केतु शनि, हमें नहीं पता ये भगवान ने कब बनाए थे, लेकिन जो भी मनुष्य धरती पे पैदा हुआ उसको भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया, उसके मन में कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी आई नंबर एक के बारे में, दो के बारे में, तीन के बारे में, चार के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बजाज और मैं हूँ एक न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं चाहता हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आपको उसके अंदर पूरा का पूरा ज्ञान मिलता रहे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है एक बहुत बड़ी सपोर्टर वीडियो है। जब भी आप लोग अपनी शर्ट पहनते हैं तो क्या करते हैं? दो ही तरीके होते हैं, या तो आप ऊपर का बटन बंद करते हैं उसके बाद ऊपर से नीचे आते हैं, या नीचे से ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि एक बहुत बड़ा राज है कि अगर आपको लाइफ में टॉप पे ऊपर जाना है तो आज के बाद कभी भी आपने ऊपर से बटन नहीं करने। इसका मतलब क्या है? आप ऊपर से नीचे जाते जा रहे हो। बहुत ज्ञान वाली बात दे रहा हूँ आपको आज मैं, कि अगर आपको अपनी शर्ट के बटन बंद करने हैं, और इसको एक्सपेरिमेंट आज से ही कर डालो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब भी आप शर्ट के बटन बंद करते हो, आपने नीचे का पहले बटन बंद करना है, फिर उसके ऊपर का, फिर उसके ऊपर का, फिर उसके ऊपर का, और टॉप पे ये वाला। होगा कुछ नहीं, सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रीड करता है। जैसे ही आप इस फॉर्मूला को अपनी लाइफ में यूज करना स्टार्ट करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि अब हमारे को ऊपर से नीचे नहीं जाना, नीचे से ऊपर जाना है, और ऊपर जाने का कोई दी एंड नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप इस चीज को रोज अपनी लाइफ में यूज करोगे तो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि ये छोटा सा फॉर्मूला कैसे आपकी लाइफ के अंदर वो बेहतरीन चेंजेस ला के दे सकता है जो आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इसके अलावा बहुत बड़ी मुझे फोन आता है कि संदीप जी, हम शूज कौन से पहने? तो दोस्तों, मैंने कहा आज मैं इस वीडियो में आज आपको दोनों चीजें बताता हूं कि लाइफ में एक बहुत छोटा सा टूल है कि अगर आप अपने शर्ट के बटन से भी गेम खेलना चाहो तो कितनी जबरदस्त गेम हो सकती है। आपने सिर्फ यही करना है कि पहले नीचे वाला बटन ऊपर किया और टॉप पे जाके टॉप वाला बटन ऊपर किया। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसकी फ्रिक्वेंसी को रीड करेगा, क्योंकि आप पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही बंद करते हो, ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला। दैट मीन्स हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं तो होता क्या है, जब हम 21-43 दिन किसी भी काम को करते हैं कॉन्टिन्यूस विदाउट फेल, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसी चीज को रीड करना स्टार्ट कर देता है। अब पता नहीं आपकी उम्र 10 साल है, 50 साल है, 60 साल है, और कब से अपनी शर्ट के बटन आप ऐसे ही बंद कर रहे हैं। तो आज से ही इस फॉर्मूले को यूज करके देखो, अगले 21-43 दिन अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रीड करेगा, और देखना आने वाले टाइम में, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 6 महीने लगे, या 1 साल लगे, कैसे आपकी लाइफ में उपलब्धि आए। और इसी के अंदर एक दूसरा पार्ट भी जो मैं देना चाहता हूं आपको आज वीडियो के अंदर, वो है कि कौन से रंग के शूज पहने। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि नाभि से नीचे का हिस्सा इम्प्योर होता है। आप इसमें चाहे ब्लैक कलर की पैंट पहने, ब्लू कलर की पैंट पहने, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब वो नाभि के नीचे का हिस्सा इम्प्योर है तो वहां पे इसका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ऊपर जो आपने पहनना है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, जो भी आप पहनते हो वो हमेशा के हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि सर, शूज कौन से कलर के पहने? तो शूज के अंदर सबसे बढ़िया कलर है कि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है ब्राउन कलर को। हो सके तो ब्लैक को बिल्कुल अवॉइड करो, उसको लाइफ से जितना दूर कर सकते हो उतना अच्छा है। लेकिन आप कहते हो सर, हमने तो कोट पैंट ब्लैक ले रखा है और हमें पार्टीज पे जाना है, तो वो जो ड्यूरेशन रहेगी वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की रहेगी, तो वहां पे आप चाहो तो ब्लैक पहन सकते हो। मैं अपने क्लाइंट्स को यही समझाता हूँ। मान लो मेरा कोई क्लाइंट है लॉयर और मैं उसे कहता हूँ ब्लैक नहीं पहनना, वो कह रहा संदीप जी, हम तो कोर्ट में सारा दिन ब्लैक के ऊपर है।
तो उन्हें मैं कहता हूं कि जब आप कोट में एंटर करते हैं बिल्कुल कोट पहन लें, उसके बाद अपनी जिरा करें जो भी आप करते हैं, इसके बाद जब आप एग्जिट करते हैं कोर्ट रूम से तो फटाफट अपना पहले कोट उतारें, वो कोट को अपने हाथ में रखें, अपनी गाड़ी में रखें, अपनी टेबल पर रखें, या जहां आप हैंगिंग करते हो आप वहां पर लगा दें, क्योंकि दोस्तों आपने उससे डिटैच होना है, बट चूंकि आपका वर्क प्रोफाइल वो है तो उसके हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सिद्धांत है वो ऑफिशियल ड्रेस पे कभी लागू नहीं होता। तो अगर आप लोग कहते हैं कि मुझे रात को पार्टी में जाना है, ब्लैक मेरी ड्रेस है और मुझे ब्लैक शूज ही पहनने पड़ेंगे, कोई मना ही नहीं है, उसके ड्यूरेशन को कम कर दो, 2 घंटे 3 घंटे बहुत ज़्यादा हुआ 4 घंटे, तो उसमें कहीं कोई टेंशन नहीं आएगी। लेकिन नॉर्मल टाइम में अगर आपको 16, 17, 12, 15 घंटे जो पहन के रखना है, वो आप ब्राउन को पहन के रखो, वो आपके लिए उतनी पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, वो आपके लिए बहुत बड़ा एक स्पोर्ट का काम करेगा। अगर आप स्पोर्ट शूज पहनते हो तो उसके अंदर वाइट पहनो, जो भी जिस कलर के आते हैं, ब्लू पहन सकते हो आप, स्काई ब्लू उसमें आता है, ग्रे उसमें आता है, इवन रेड भी उसमें आता है, वो भी आप पहन सकते हो, लेकिन कोशिश यही करनी है कि ब्लैक और डार्क ब्लू को आपने अवॉइड करना है, और जो शूज होते हैं उसके अंदर आपने ब्राउन कलर को, सैंडल ब्राउन कलर की, उसको पहनो। जैसे जैसे आप उसको पहनोगे आपको खुद समझ में आएगा कि ये छोटे से टूल को यूज करते हुए आप अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस स्टोरी ला सकते हो। तो दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी बहुत वीडियोज अब आने वाली हैं। जो जो वीडियो आपको आएगी वो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ आपको एजुकेट करके जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।